दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 21 मई, एक बार फिर से हम आपके लिए 8 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें कुछ भर्तियां ऐसी भी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, रेलवे डिपार्टमेंट इंडियन रेलवे के अंतर्गत लेटेस्ट भर्ती की अपडेट आ चुकी है, सीधी बड़ी भर्ती निकली है, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथ ही साथ दोस्तों बिजली विभाग और नगर निगम भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आंगनवाड़ी भर्ती के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, पीसीबी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एयर इंडिया भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 8 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे में, भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे के अंतर्गत भर्ती निकली है। अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 3591 खाली सीट्स है। बात अगर सैलरी की जाए तो अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है। जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए ₹100 आवेदन शुल्क है। SST PWD और वोमेन कैंडिडेट को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होगा, मेरिट के आधार पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। RRC-WR.com पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 25 मई 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 24 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, बिजली भाग के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट, असिस्टेंट लाइनमैन यानी के ALM और आर्किटेक्ट की टोटल 501 वैकेंसीज है। असिस्टेंट लाइनमैन के लिए 350 वैकेंसीज है, जबकि असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए 150 वैकेंसीज है। आर्किटेक्ट के लिए भी यहाँ पर एक पद खाली है। गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो असिस्टेंट लाइनमैन असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। आर्किटेक्ट पोस्ट के लिए डिग्री या डिप्लोमा आर्किटेक्चर से आप अप्लाई कर सकते हो। बात अगर आयु सीमा की जाए तो असिस्टेंट लाइनमैन असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट के लिए 18 से 37 वर्ष है, आर्किटेक्ट के लिए 20 से 37 वर्ष है। ऑल कैटेगरीज के लिए ₹1416 आवेदन शुल्क है। EWS SC कैटेगरी के लिए 566 है, PWD के लिए ₹708 है। SB कलेक्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट के आधार पे, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। PSTCL.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 20 मई 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 11 जून 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 15 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में, लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, पुलिस सर्विस, तहसीलदार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। वेरियस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये भर्ती है, वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, पुलिस सर्विस के लिए 15,600 से 39,400 है, प्लस ग्रेड पे 5,400 है। तहसीलदार असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 10,300 से 34,800 है, ग्रेड पे ₹5,000 है। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट कैटेगरी के लिए ₹400 आवेदन शुल्क है। SC ST OBC के लिए ₹100 है। ई सर्विसमैन जो HP के हैं उनको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान से कर सकते हो, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। सिलेक्शन होगा प्री रिटर्न एग्जाम, मेन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। HP हिमाचल प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। HPPSC.HP.GOV.IN ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो।
ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 19 मई 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 15 जून 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 15 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में। आंगनवाड़ी के अंतर्गत आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट निकली है। वेरियस वैकेंसीज है, सेली आप पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। पाँचवीं और आठवीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 45 फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए और 21 से 50 आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर के लिए आयु सीमा है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, मेरिट से चयन होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कुशीनगर यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। बाल विकास यूपी .gov.in इसके ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 6 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड में। एयर इंडिया के अंतर्गत मैनेजर ऑफिसर असिस्टेंट की पोस्ट है। वेरियस पद खाली है। मैनेजर के लिए 50,000 रुपये सैलरी प्रति माह के लिए है। ऑफिसर के लिए 32,200, असिस्टेंट के लिए 21,300 रुपये है। CA MBA ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा मैक्सिमम 28 और 30 वर्ष है। अलग अलग पोस्ट के लिए फीस आपको जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग या पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर, बिना एग्जाम की भर्ती है। ऑफलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। airindia.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 1 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है BML लिमिटेड में। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट है इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर की। वेरियस वैकेंसीज है, सैलरी 21,500 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। CA MBA MCA ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 27 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। bmlindia.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 18 मई 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। PCB के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की। वेरियस वैकेंसीज है, प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 35,000 जबकि सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 42,000 रुपये प्रति माह के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 30 और 35 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन भी इंटरव्यू से होगा, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। वेस्ट बंगाल जॉब लोकेशन है। wbpcb.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती के लिए स्टार्ट हो चुके हैं 17 मई 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑफलाइन करने की 4 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। नगर निगम के अंतर्गत पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती निकली है जिसके अंतर्गत पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन ECG टेक्नीशियन और फार्मेसिस्ट की। 185 वैकेंसीज निकली है। 18,000 रुपये सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 12th BSc DMLT से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 65 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन भी बिना एग्जाम के होगा, मेरिट के आधार पे। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। मुंबई महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है। portal.mcgm.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 28 मई 2021 है। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 21 मई 2021 की टॉप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप इसे किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।